हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। लास्ट वीडियो हमने गोविंद देव जी का मंदिर जो है यहाँ तक पढ़ लिया था। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो भी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं चीजों को करेंगे इस चैप्टर में जो चीज हमने नहीं पढ़ी है या हमने कभी याद नहीं की है। इसीलिए मैं कह रही हूँ चैप्टर जो है वो बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि 10th क्लास में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में दो चैप्टर आपके काफी बड़े हैं। चलिए पढ़ते हैं। जैसलमेर, किले और हवेलियों का शहर। तो ये भी लाइन जो है इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में किले और हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। किसे? जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं? सोनार का किला। तो क्यों कहते हैं ये भी हमने देख लिया है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है जैसे ही इस किले पर पड़ती है तो जो पीला बलुआ पत्थर है वह कैसा दिखता है? सोने जैसा। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है यह पार्क। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से कितना दूर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है पटवों की हवेली। तो पटवों की हवेली, ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है, पटवों की हवेलियां कहाँ हैं? जैसलमेर में है। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली यह 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी इस भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। यानी हवेली जो है वह काफी जो है वह मिट चुकी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो चित्रकारी हुई है दीवारों के अंदर वह देखी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन केवल एक ही है, पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। तन्नोट माता मंदिर। भाटी राजपूत नरेश तनुराव तन्नू जी ने विक्रम संवत 828 में तन्नोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की। यहाँ आसपास के सभी गाँव के लोग तथा विशेषकर BSF के जवान यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। तो यहाँ पर भी पटवों की हवेली जिस तरीके से हमने याद की जैसलमेर में है, बस इतना ही याद करना है तन्नोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट देखिए, रामदेवरा का मंदिर। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, रामदेवरा मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। रुणीचा बाबा रामदेव और राम सापीर का पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों के लिए माने जाते हैं रामदेव जी, तो सभी धर्मों के लोग इन्हें पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के क्या है? एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू भी पूजते हैं और इन्हें मुसलमान भी पूजते हैं। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, उनमें से एक राम सापीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर जो है वह भगवान राम को समर्पित है। वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। तो रामदेव जी का मंदिर, रामदेवरा मंदिर जो है वह भगवान राम को समर्पित नहीं है, बल्कि किसको है? लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित है।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं किन्हें? रामदेवरा मंदिर को। नेक्स्ट देखिए बड़ा बाग, यह एक विशाल उद्यान है, बगीचा है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बर बाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि जहां से पर्यटकों को सूर्य अस्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई। इसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियां यहाँ बनी, ठीक है, यहाँ पर बनाई गई। तो जो बड़ा बाग है वो जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसे बरबाग भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ा उद्यान है। कहाँ पर है यह? यह जैसलमेर में है। नेक्स्ट देखिए ग्रेनाइट की नगरी जालौर, जालौर किला। यहाँ के किले और महलों में ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानड़ देव सोनगरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए हैं। तो बिल्कुल अब आपको प्रॉब्लम नहीं आती होगी इन चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि पता है जालौर में सोनगरा चौहान के शासक जो थे वो रहते थे। कानड़ देव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है वह कई बार युद्ध किया था और अलाउद्दीन खिलजी को पराजित भी किया था। खिलजी ने कानड़ देव से बदला लेने के लिए कई बार दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालौर का किला है। यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है और माना जाता है 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषताएं उसकी ऊंची दीवारें और गढ़ हैं। तो देखिए ये चीज जो है वो मैं दोबारा से आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज में इतनी ज्यादा गहराई से नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सब कुछ हम लिख चुके हैं। बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी आपने ली हुई है पीडीएफ, उनको आप बार बार रिवाइज करिए। वहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि जालौर किससे संबंधित है, कानड़ देव चौहान से संबंधित है, उनके बेटे वीरम देव से संबंधित है, अलाउद्दीन और खिलजी के साथ इनका युद्ध होता है, ठीक है, सब कुछ हम है उसमें बार बार देख चुके हैं। तो बस आपको यहाँ पर ग्रेनाइट की नगरी जो है वो किसे कहा जाता है, जालौर को। तो बस ये क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुंधा माता मंदिर। अरावली रेंज में सुंधा पर्वत के ऊपर स्थित सुंधा माता का मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी है। सुंधा माता का मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, अरावली रेंज में सुंधा पर्वत के ऊपर स्थित है। मलिक शाह की मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पीर मलिक शाह की मस्जिद जो कहाँ है, जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई। तो देखिए मलिक शाह की मस्जिद किसने बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से भी काफी प्रभावित है। तो बताइए इस चीज को क्या आपने याद नहीं किया है, बिल्कुल आरबीएससी की 6 से 10 तक की बुक पढ़ चुके हो, आपने ये चीज याद की है। मलिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ है, जालौर में। नेक्स्ट देखिए जिला है झालावाड़। गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ में। यहाँ के शासक अचल दास खींची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। गागरोन का किला जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन का किला राजस्थान की शान है। तो हमने जब दुर्ग पढ़े, किला पढ़े, वहां भी हमने यही चीज को देखा, इसी चीज को नोट किया कि गागरोन का किला जिसे जल दुर्ग कहा जाता है,
ठीक है, तो यह किला जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। कुछ भी नया हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वही रिपीट हो रहा है। बस जब भी हम एक दो लाइन जो है वह नई पढ़ते हैं तो उनके ऊपर मैं फोकस तो कर ही देती हूँ। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरौन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया। 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। भवानी नाट्यशाला, इसका निर्माण 1921 में हुआ था। यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मूक गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ लिखे जाते हैं। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। यह नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। तो ये चीज हमने नहीं पढ़ी है अब तक, इसे आप नोट करिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगी। भवानी नाट्यशाला जो है, जिसका निर्माण 1921 में करवाया गया था। उसके बाद है सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर झालरापाटन है। झालावाड़ का जुड़वा शहर कौन सा है? झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये दोनों ही, कि झालावाड़ का जुड़वा शहर किसे कहते हैं, झालरापाटन को। बिल्कुल नई लाइन है आप लोगों के लिए। सिटी ऑफ वेल्स जो है वो किसे कहते हैं? झालरापाटन को, यानी घंटियों का शहर। यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं, जिसके कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है, इसीलिए घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध गुफाएं और स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कौलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागोर गाँव के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। शेखावाटी, शेखावाटी में सीकर आता है, झुंझुनू आता है और चूरू आता है। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर में उछलते कूदते अटकेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के जो बच्चे हैं पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है, जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में। काले हिरण का यह अभयारण्य खुले मैदान बड़े पेड़ों लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ पर चील, आइबीज, दक्षिण यूरोप मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? ताल छापर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है मंडावा। प्राचीन समय में मध्य पूर्व चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था मंडावा। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा इस पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया और किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्होंने अनूठी अद्भुत अजब गजब हवेलियों की नींव रखी और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र कांच का काम, आकर्षक मेहराबदार द्वार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। तो इन दोनों पैराग्राफ में बस इतना ही याद रखिएगा। ताल छापर अभ्यारण जो है वो चुरू में है या शेखावटी के अंदर आता है और मंडावा भी आता है। नेक्स्ट देखिए, खेतड़ी महल झुंझुनू में है। झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी माना जाता है। 1770 में इस महल का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोके या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के आबाद
प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किलों को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खेतड़ी महल 1770 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। यह झुंझुनू का बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक है, खेतड़ी महल। इसे झुंझुनू का हवा महल भी कहते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधना में जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ व्यवस्था संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्तिचित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह भी है। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नवलगढ़। झुंझुनू और सीकर के बीच में स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। कहाँ पर? नवलगढ़ में, जिसमें कुछ भारतीय और कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया। इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान और फव्वारों से सुशोभित है। नवलगढ़ का किला किसने बनवाया? नवल सिंह ने बनवाया। लक्ष्मणगढ़ का किला। लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे इसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए फतेहपुर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बस आप नाम याद रखिएगा, लक्ष्मणगढ़ का किला जो है वो शेखावटी क्षेत्र में आता है। फतेहपुर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 में स्थापित किया। 1516 में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया। यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिनमें द्वारिकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन ला प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेली उल्लेखनीय है। ठीक है, तो सीकर में है ये द्वारिकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन ला प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेहचंद की हवेली। जोधपुर। मेहरानगढ़ का किला। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अवैध मेहरानगढ़ किला है, जिसको भेदा नहीं जा सकता है। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। यह इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहरावदार झरोखों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्र दीवारों के लिए जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ का किला जो है वह कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऐतिहासिक किला है यह, बहुत ज्यादा लोकप्रिय किला है यह, और इससे जुड़ी जो है वो बहुत सारी कहानियां भी हैं। तो ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जोधपुर के पर्यटन स्थल में मेहरानगढ़ का किला जो है वो काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जा सकता है। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जा सकता है? जसवंत धड़ा को। नेक्स्ट है मंडोर। इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंति यानी कि कहानियों के अनुसार रावण का ससुराल भी यही था। तो देखिए आप लोगों को एक ऐसे ही जानकारी मिल रही है कि रावण का ससुराल जो है वह कहाँ था? मंडोर में। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला भी लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है।
इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक एवं छतरियां हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। तो मंडोर जो है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, मांडवपुर था, और पुराने समय में मारवाड़ की राजधानी जो है वह मंडोर रही है। कायलाना झील, जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील में विहार हेतु नौकायन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो कायलाना झील जो है वह एक पिकनिक स्थल के रूप में है। माचिया सफारी उद्यान कहाँ पर है, जोधपुर में। ये चीजें कहाँ पर है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये कौन कौन से स्थल कहाँ पर है। तो माचिया सफारी उद्यान कहाँ पर है, जोधपुर में है, जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़िया, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान पुस्तक सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। बाल संबंध झील, जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बाल संबंध झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बाल संबंध झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु पक्षियों जैसे लोमड़ी, मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। तो आपको जोधपुर के पर्यटन स्थल के अंतर्गत क्या क्या याद करना है, ये याद करना है मेहरानगढ़ का किला जो है वह जोधपुर में स्थित है, जसवंत धड़ा जोधपुर में स्थित है, मंडोर जो कि मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा था यह भी कहाँ है, जोधपुर में, कायलाना झील और माचिया सफारी उद्यान ये सभी जो है वह कहाँ है, जोधपुर में। माचिया सफारी उद्यान जो है पूछा जा सकता है क्या है, यह एक पक्षी विहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं करौली। सबसे पहले है केला देवी मंदिर। करौली के बाहरी इलाके के लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकूट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है केला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह जो कि मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल सारी बातें पुरानी हैं, जो आप लोग याद कर भी चुके हो। श्री महावीर जी मंदिर कहाँ पर है, करौली में। 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुशिल्प की संरचना है श्री महावीर जी का मंदिर, जो की एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के बैसाख के पहले दिन तक मार्च अप्रैल में एक मेले का आयोजन होता है, जहां पर हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। तो श्री महावीर जी का मंदिर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन तीर्थ स्थल है, और यहां पर जो जैन श्रद्धालु होते हैं वह यहां पर हर साल आते हैं। नेक्स्ट है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहां पर है, करौली में ही है। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहां लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक भी हो जाते हैं। तो ये चीज आप थोड़ा सा बस इतना याद रखिए, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ है, करौली में। नेक्स्ट है कोटा। चलिए कोटा में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं देखते हैं। कोटा बैराज, कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटक के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जल धारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। तो बारिश के दिनों में क्या होता है, इसके जो बड़े फाटक होते हैं यहाँ से बहुत ही स्पीड से क्या आता है, पानी आता है, तो जिसको देखने के लिए पर्यटन यहाँ पर आते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है, जहाँ एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कोटा बैराज के बारे में। तो ये कहाँ पर है, चंबल नदी पर निर्मित है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य, कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावत भाटा मार्ग पर
सैलझर तथा कोलीपुरा गिरधपुरा होते हुए दर्रा गांव तक तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सैलझर तक इस बाघ अभ्यारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। तो देखिए मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य जो है वह कोटा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभ्यारण्य जो है वो बहुत ही घना है, वन क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, शियार और काफी संख्या में देसी और प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है। जग मंदिर महल, कोटा मेहराब दुर्जन चाल जी की सिंह जी की महारानी उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से लेकर 45 ईस्वी के मध्य करवाया गया। किशोर सागर कोटा शहर के बीच में स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्कीम तथा बच्चों हेतु अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर शाम को लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जग मंदिर महल की। अगला है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया। यहाँ महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीर दे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा वन जीव पक्षी इस ओर आकर्षित हो सके। मेहराब उमेर सिंह द्वितीय के शासन काल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता है तथा अभेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। तो केवल इतना ही याद रखना है कि अभेड़ा महल जो है वह कहाँ है? कोटा में है। तो देखिए जितने भी पर्यटन स्थल हैं इनके आप नाम जरूर याद रखिएगा कि कोटा बैराज कोटा में है, मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य कोटा में है, जग मंदिर महल, अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। ये सभी पर्यटन स्थल की दृष्टि से काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिए नागौर जिला। सबसे पहले है लांडनू। लांडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। तो ठीक है, लांडनू की जो साड़ियां हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लांडनू में बनने वाली कॉटन की साड़ियां इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा एवं करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लांडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लांडनू के ही थे। तो याद रखना है नागौर में लांडनू पड़ता है। लांडनू में जो बनी साड़ियां हैं कॉटन की वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और संत आचार्य श्री तुलसी कहाँ के थे? लांडनू के ही थे। बड़े पीर साहब दरगाह, सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया। दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देख सकते हैं, तथा इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो देखिए बड़े पीर साहब की दरगाह जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पर्यटक जो हैं और क्या देखने आते हैं? यहाँ पर रखे हुए पुराने भारतीय सिक्के और इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है झोरड़ा नागौर में। नागौर तहसील में स्थित झोरड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्म स्थली होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर छोरड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा,
पंजाब, राजस्थान और यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरि राम मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत ही सारी स्मरणीय और दर्शन करने योग्य वस्तुएं रखी हुई हैं। तो यहाँ हमने नागौर जिले के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे पाली जिला के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। हीरे जैसे चमकती और तरासी गई यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इस मंदिर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर। उसके बाद है जवाई बांध। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई, इस पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए भी स्वर्ग है। तो जवाई बांध जो है वह जवाई नदी पर बना हुआ है, लूणी की जो सहायक नदी है। तो चलिए आज हमने यहां तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बीकानेर जिले के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको बार बार पढ़िए जिससे कि ये चीज आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।